आकर के वृंदावन वासियों का हाल बिया है। देखा है वृंदावन का हाल बेहाल है। इधर मैया यशोदा ने देखा है कि लगता है श्याम सुंदर आ गए, भाग खड़ी हुई उद्धव के पास गई है। जब श्याम सुंदर को न पाया है, कहने लगी उद्धव तुम इस तरीके से मेरे श्याम के वस्त्र पहन करके और यहाँ पर आ गए। उद्धव कहने लगे माँ यशोदा वो तुम्हें भूले नहीं है, उन्होंने तुम्हारे लिए एक पत्र भेजा है, वो लौट के आएंगे। एक बात कहने लगी उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन वर्ष से बिता दी है दिया है श्याम सुंदर। हमसे परसों की कह करके चले गए लेकिन बरसे बिता दी। उद्धव कहने लगे माँ माफ करना वो तुम्हें भूले नहीं है, उन्होंने तुम्हारे लिए एक पत्र भेजा है, हैं वो लौट के आएंगे। इधर वो पत्र को दिया है मैया यशोदा ने अपने कलेजे से लगा लिया और जब आगे बढ़े तो क्या देखा है कुछ पनघट पर लड़कियां जल भर रही हैं, जल वहां पर पहुंच गए उद्धव। और जैसे ही देखा लड़कियां भाग खड़ी हुई और जैसे ही भागी हैं, कहने लगी उद्धव तुम तुम्हें मालूम नहीं है ये श्याम के वस्त्र पहन करके ये बंसी हाथ में लेकर के तुम्हें वृंदावन में चले आए। कहने लगे बहन मुझे श्याम ने भेजा है,
बोले क्यों भेजा है? बोले तुम्हें वो भूले नहीं है, उन्होंने एक पत्र भेजा है तुम्हारे लिए लिखकर, वो तुम्हें भूले नहीं है। चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी है, जवाब देने लगी उद्धव तुम्हें मालूम नहीं है। चंद्रा ने कही धैर्य के लिए और कागज कुछ काम न कर, लड़की आगे बढ़ी उद्धव से एक बात कही, उद्धव भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धैर्य बना सकता है? जवाब दिया उद्धव।